अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वॉइस ऑफ पाकिस्तान के मौजूद साहब, यहाँ हम एक भाई से मिले हैं जो पसीने से शराबूर हैं और इस दिन गर्मी में वो दूसरों के एहसास में अपने पेट के लिए बोतलें पानी सेकते हैं। तो इनसे पूछते हैं कि इतनी महंगाई में इनका गुजारा कैसे हो जाएगा, किस तरह वक्त गुजार रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भैया, आप यहाँ कितने बजे आते हैं इतनी तपती गर्मी में पसीने से आप शराबूर हैं? कहाँ से आप यहाँ? मैं सदर मंडी से आता हूँ। अच्छा, और मेरे तीन बच्चे हैं, शादीशुदा हूँ, किराए का मकान है और आप लोगों को पता है कितनी महंगाई है, क्या करें। तो आप ये लोगों को बोतलें सेल करते हैं, पानी सेल करते हैं, मैं आपको कुछ मैनेज समझ आती है? जी सर, मैनेज क्या है, कुछ कुछ मिलता है तो हम रोजाना काम के आते हैं, वगैरह होता है। अभी इंशाल्लाह हमारे मुल्क के हालात बदलेंगे, हमें वो नवाशी से बहुत दिनों पर बहुत मान है, वो दुश्मन से हमारी जान छूट गई है, हम अल्लाह का ये शुक्र करते हैं। भाई के बात को आप समझते हैं, मैं वैसे डिस्टर्ब है महंगाई की वजह से, बाकी इनकी रोजी में बच्चे डिस्टर्ब है। आप कितने बजे वापस से आते हैं? तो आप ये पूरा दिन यहाँ ऐसे कुछ करते रहते हैं या यहाँ से बाहर भी जाते हैं? नहीं, पीते रहता हूँ यहाँ पे। कोई आपको कोई ऐसी बात आपकी अब तक ज़िंदगी में कोई ऐसा तजुर्बा जो मेरे लिए बेहतरी का सबक होने वाली कल हमारे सामने के लिए बेहतरी का सबक हो, कोई ऐसी बात? भाई ऐसी बात नहीं है, तो किसी पे इतबार मत करें, वो दौड़ ही नहीं लाया गया किसी पे, तो आप इतबार करें, हम नहीं चाहते। यहाँ पर कई लोग देखते हैं तो यार मेरा मोबाइल चोरी हो गया, यार मेरी फलानी चीज़ चोरी हो गई, यार ये मेरे साथ क्या हो गया, मेरे साथ एक लड़का बैठा हुआ था वो मेरे साथ ऐसे बातें कर रहा था, वैसे कर रहा था, थोड़ी देर के बाद बेचारा वो रोता लग रहा था। ये हमारे मुल्क के ये हालात हैं। हमारे बड़े बुजुर्गों में एक बात बोली जाती है जो आप लोगों ने सुनी होगी शायद, कि गरीबी तेरे तीन नाम लुच्चा लफंगा बेईमान, अमीरी तेरे तीन नाम परसू परसा परसा। आई होप सो कि आप लोगों को मेरी बात समझ आई, आप लोग बात को समझ। तो ये लाहौर शहर के रहने वाले, तो आप लोग इनको सोशल मीडिया पर देखिए, उसके गरीब आए इनके पास आए थे बिला वजह कुछ गरीब, ये हमारे भाई हैं, हमें इनका एहसास करना चाहिए, इनके साथ चलना चाहिए, तब आगे इनके रोजे में बरकत डालें, इनको जो मान के रखे हैं। हम सबको पता है इसके पास पैसा है उसके लिए मुश्किल नहीं है, महंगाई उसके लिए नहीं है, इसके पास कुछ नहीं है जिसने अपनी लाइफ को मैनेज करना है, महंगाई उसके लिए नहीं, बहुत ज़्यादा महंगाई है भैया, अपने घर का गुजारा बहुत मुश्किल कर रहे हैं, बहुत मुश्किल कर रहे हैं, कहाँ वो हम 60 रुपये का 70 रुपये का आटा लेके जाते हैं, 300 रुपये का खाली आटा घर में लेने के लिए जाना पड़ता है, तो हम इतनी तो हमारी आमदनी है 700-800-900 खाते इतनी आमदनी, तो आप बताएं इसमें घर के गुजारे तो नहीं है। यहाँ हमारे साथ एक और भाई बैठे हुए हैं, इनसे बात करते हैं, ये नींबू सेल कर पानी बोतल सेल कर। ये शाम भाई कैसे हैं, कहाँ से आए हैं? तो आप यहाँ कितने बजे आके अपने पेट के लिए अपने रोजी के लिए स्ट्रगल करना स्टार्ट होते हैं और कितने बजे बंद करते हैं? 7-8 बजे बंद करते हैं। तो आपका गुजारा कैसा हो रहा है? शादीशुदा? तो मकान अपना खुद को तो आप इधर से इतना मैनेज कर लेते हैं कि अपने बच्चों का अपनी मिसेज का किराया वगैरह? नाज़रीन ये हालात हैं हमारे मुल्क के, हमारे पाकिस्तान के, अमीर दिन ब दिन अमीर होता जा रहा है, गरीब दिन ब दिन गरीब होता जा रहा है। अब जिस बेचारे ने पूरा दिन में 10-10 रुपये करके
500 कमाना है, उसने 500 का किलो तो घी ले जाए, कैसे वो अपने 3 बच्चे पाले, किराया दे बेगम को पाले उनको, हत्ता कि ये सुबह से खुद भी नहीं उन्होंने पानी पिया, और इनको यही होना है कि वो पानी को सेल करके हमारी जेब में घुसा दे, हम जाके अपने बच्चों को दें। तो गुजारा आप लोगों से गुजारिश है कि ऐसे भाइयों का ख्याल करें, बिला वजह इनसे कुछ ले लें, इनसे बात करें, इनके पास आए। बहुत शुक्रिया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को दबाएं, चैनल को शेयर करें।